इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप श्री राम जन्म महोत्सव मनाए। आज भूत भावन भगवान शिव माँ भगवती को शिशु चरित्र बाल लीला ब्रह्मचर्य के कुछ आदर्श अहल्योद्धार नगर भ्रमण जहाँ तक कथा क्रम जाए श्रवण कराएंगे। हम आप भी उसमें निमित्त हैं। कथा का क्रम ऐसा है, एक एक लीला चलती है। प्रभु आए तो पहले वचन दे चुके हैं, अनसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंश उदारा। भगवान सूर्य वंश में आए, अंश स्वरूप तीन भाई और लाए। राम जी अंशी हैं और तीनों भाई इनके अंश हैं। जैसे हम आप भी भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव। जो गुण भगवान में है वो कुछ मात्रा में जितना हमारा पुराकृत कर्म है हमारे आप में भी है, कुछ है। बहुत तो नहीं आ सकता क्योंकि हम आप विकारी हैं, भगवान निर्विकारी। जो निर्विकारी है वह शरीर भी धारण करे तो निर्विकारी रहता है। इसलिए उसके द्वारा कोई विकार समन्वित कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि जो उसमें है ही नहीं वो करेगा कैसे। भगवान सकल विकार रहित हैं, भेद रहित हैं। इसलिए भगवान से भेद के किसी कार्य की कल्पना संभव नहीं है। हम आप भेद सहित हैं, हम आप विकार सहित हैं। हमसे आपसे विकार का व्यवहार संभव है। ठाकुर जैसे प्रकटे वैसे तीन भैया जन्मे। भगवान, ये बड़ी विचित्र बात है, भगवान प्रकटे और तीनों भाई जन्मे। सुंदर सुत जन मत भय ओ अवधपुरी सोहई एही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु। रात्रि मानो भगवान से मिलने आ गई है, ऐसा मंगल दर्शन हो रहा है। कैसे? अंधियारी हो गई, अबीर गुलाल उड़ाकर लोग आनंद महोत्सव मनाने लगे, बड़ा भाव जमा, बहुत बहुत रस बरसने लगा। विद्वान लोग आकर वेदध्वनि कर रहे हैं, मानो पक्षी बसंत में कलरव कर रहे हैं। महाराज के राजमहल पर जो कलश है चंद्रमा जैसा चमक रहा है। बाबा कहते हैं देवी,
एक माह का समय हुआ, कोई जान सका नहीं। सूर्य भगवान एक माह तक स्तंभित होकर खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान को, रथ समेत बिठा एक माह सूर्य भगवान क्यों खड़े रहे? अनजाने में नहीं, जानकर भी नहीं, भगवान ने ही उनका स्तंभन कर दिया, खींच लिया। जा तो रहे थे अपनी यात्रा में, परंतु जिस यात्रा में जा रहे थे उस यात्रा के स्वामी जब राम जी यहीं आ गए तो सूर्य भगवान का स्तंभन हो गया। जैसे बच्चे कोई सामान लेने जा रहे हों और मार्ग में खेल हो रहा हो तो सामान भूल के बच्चे खेलने लगते, यही बालपना है। आप में से जो सत्संगी होंगे, आए होंगे बाजार करने, लेकिन सत्संग हो रहा है तो आकर 3 घंटा यहीं डट गए, बाजार होगी होगी न होगी हरी बोल। तो जिसकी जहां रुचि होती है उसको वह वस्तु खींचती है। सूर्य भगवान का तेज राम जी से है। बंधो नाम राम रघुबर को, हे तो कृषानु भानु हीम कर। हे तो माने कारण, मेरे प्रभु अग्नि सूर्य चंद्र अर्थात प्रकाश तेज और शीतलता तीनों के कारण कौन है? तो राम जी। जगत के कारण जब यहां आ गए जगदीश तो सूर्य भगवान का स्तंभन हो गया, इसलिए लिखा है रथ समेत रवि रात्रि नहीं हो पा रही। महात्मा महापुरुष लोग कहते हैं कि देखो भैया, जब भगवान ही आ गए जीवन में तो क्या रात। जिसके जीवन में भक्ति आ गई राम जी की, उसके जीवन से रात्रि समाप्त हो जाती। तब परम प्रकाश रूप दिन राति, जिसके जीवन में राम भक्ति आ जाए उसके जीवन में सहज प्रकाश हो जाता है। क्यों? सहज जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। भगवान प्रकाशवान है, भगवान प्रकाश स्वरूप है, जगत सारा भगवान के ही प्रकाश से प्रकाशित है। तो जो सबको प्रकाश दे रहे हैं, उनको जो प्रकाश देने वाले हैं वो आ गए मृत्यु लोक में। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का एक बड़ा सुंदर पद है, आशीर्वाद गुरु जी ने दिया है आप सभी को, गुरुदेव भगवान की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। सरकार मेरठ में कथा कर रहे हैं, आशीर्वाद आया है। स्वर्ग कहते किसे, स्वर्ग कहते किसे, स्वर्ग कहते किसे, जानते हम नहीं,
स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग करते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। वन के बालक सलोना अब रूप पा, वन के बालक सलोना अवध भूप का, मेरे नैनों में अब बर्फ सुख छा गया, मेरे नैनों में अब बर्फ सुख छा गया। आज भी हसी दिशाए कमल खिल गए, आज भी हसी दिशाए कमल खिल गए, टिमटिमाते दिए ये सभी मिल गए, टिमटिमाते दिए ये सभी जल गए। आज परियों ने मंगल सजाए मुदित, आज परियों ने मंगल सजाए मुदित, मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया, मन अनूठा स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। को किलाओं ने भोला सुरस कुंज में, को किलाओं ने भोला सुरस कुंज में, रागिनी छाई मंगल कुंज में, रागिनी आग्य के उन छवि कलश में अहो, आग्य के महाराज माताएं कलश में अहो, प्रेम का पुण्य पीयूष बरसा गया, प्रेम का पुण्य पीयूष बरसा गया। कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का सुमन देख सरगम मनोरम विषम और सम, देख सरगम मनोरम विषम और सम, दास गिरधर कृत्रिक तुलिका पर वही, दास गिरधर कृत्रिक
अपन सुंदर मधुर चित्र लहरा गया, अपन सुंदर मधुर चित्र लहरा गया। स्वर्ग करते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।